गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग बाय विद अंशी रॉय. सो टुडे आई केम टू सेक्टर 13 रोहिणी डीडीएम मार्केट एंड दिस मार्केट इज रियली वाउ. दो आई हैव नॉट थॉट ऑफ मेकिंग ब्लॉग बट इस मार्केट को देख के यू नो आई थॉट टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड आई विल शो यू कितना प्यारा केक है यहाँ का. मैं ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ एंड मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा है. सो गाइज बने रहो ब्लॉग में एंड ये बहुत छोटा सा ब्लॉग होने वाला है इस मार्केट का बट आप ज़रूर देखना. ओके गाइज ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे स्वीट्स हैं. वाओ दिल्ली के स्वीट्स ऐसे भी अच्छे होते हैं. एंड ये यहाँ अरे वाह यहाँ पे राम लड्डू भी मिल रहा है. सही है. एंड यहाँ पानी पूरी. एंड ये सारे मार्केट में आपको हर चीज मिल जाएगा. गिफ्ट्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगा, ये सारे टॉयज वगैरह मिल जाएंगे. इनफैक्ट आपको कॉस्मेटिक्स के भी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे. सो दैट्स अ वेरी गुड मार्केट. वाओ ये मेडिकल स्टोर भी है. फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लोरिंग दिस मार्केट. हाँ एंड दैट्स सो नाइस. ओ डीडीएम मार्केट है यहाँ पे सब कुछ मिले. ये क्या बना रहे हो भैया? यहाँ भी कुछ बनेगा क्या? अच्छा ये मोमोज और प्लस नूडल्स मिलता है यहाँ पे. वो ऐसे प्रिपरेशन करते हैं. सही है. हेलो और यहाँ एटीएम मार्केट से शॉपिंग कर लो फिर उसके बाद एटीएम चले जाओ. अच्छा यहाँ पे टेलर वगैरह का भी सिस्टम है. फुटेज ओके दैट्स सो नाइस. दो ये मार्केट थोड़ा सा यू नो क्लमजी लग सकता है बट यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगा. वेदर इट्स फुटवेयर वेदर इट्स क्लोदिंग एवरीथिंग इज देयर. यू कैन सी दिस मार्केट आउटलुक. और ये बेकरी का भी शॉप है यहाँ पे. सो दैट्स रियली गुड चॉकलेट बेकरी. ये पेस्ट्री खाने वाले पैटीज खाएंगे क्या? कुछ और ट्राई करते हैं. गाइज हम सोच रहे हैं ट्राई करने का ये पास्ता सैंडविच खाने का विच इज ऑफ 99 रुपीज. एंड चिकन भी है क्या भैया? ओनली ओनली वेज. ओके हाँ हाँ बिल्कुल. गोयल बेकर्स है ये डीप मूर्थल वाले. ओके गोयल बेकर्स मूर्थल वाले D13 के डी कौन सा डीडीए मार्केट में है ये. ओके ठीक है भैया खिलाओ आप. हाँ पक्का 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 भैया पक्का पक्का. और हमारे व्यूअर्स भी आएंगे आपके पास खाने. हाँ ओह ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ कि मैं खुद बना के रखूँ. ऑब्वियसली वो तो आपको जरूरत पड़ती है. हाँ 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 ब्रेड भी अपना है. अच्छा ये इस भैया ने अपने शॉप में बुलाया एंड ये जितने भी ब्रेड्स हैं ये सारे इनके खुद के बेकिंग हैं. ये बाहर से आउटसोर्स नहीं करते तभी इसकी पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो डिफरेंट. सॉरी भैया ये उठा लो. सो ये है गोयल बेकर्स. आटा पाव. ये आटा पाव है. अच्छा तो अभी खाने ट्राई नहीं करा है वैसे. गार्लिक स्टिक. ओके आप ट्राई करने के बाद देना कमेंट. ओके ओके श्योर श्योर श्योर. और यहाँ पे इन्होंने ये सारे आपके खुद के मैन्युफैक्चर्ड है राइट? खुद से बनाया है. अच्छा सारा सब गोयल बेकर्स का अपना सेल्फ ब्रांड पैक. ओके सेल्फ ब्रांड पैक्स है. ओके नाइस. ओ वाओ ये सारी चीजें अच्छी हैं. सो गाइज आप इस शॉप पे आ सकते हो. वन स्टॉप सॉल्यूशन है इफ यू आर लुकिंग फॉर सम बेकरी थिंग. इवन द केक्स आर रियली नाइस. ओ माय गॉड मैंने तो ये सेक्शन देखा ही नहीं भैया. ओके प्योर वेज बेकरी के मैन्युफैक्चरर है. एंड ओ माय गॉड दिस इज ब्राउनी लावा इज लुकिंग सो नाइस. ये ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट है. ओके ऑल ओवर इंडिया से. ओके पूरे उसके अंदर आपको किसी का वोल्केनो लावा नहीं मिलेगा. ओके डिफरेंट शेप भी डिफरेंट है. ओके ठीक है. क्या है इसका रेट क्या होता है? 110 है एंड स्पेशल ऑफर ऑन ढोकला. चलो ये भी चल रहा है. एंड इतने सारे इनके पास केक्स भी हैं. बढ़िया बढ़िया. अरे वह तो छोटू सा प्यारा सा केक भी है. सही है. जिनको ज़्यादा केक नहीं खाना हमारे जैसे लोग को इसके लिए तो बहुत बेटर है. ये बेक हो रहा है जो भी हमने ऑर्डर करा है. हमने पास्ता सैंडविच करा है ना. ओके सो काफ़ी सही है काफ़ी सही है. ये हमारा पास्ता पिज्ज़ा आ गया है एंड ये बहुत ही यम दिख रहा है. सो गाइस हमारा पास्ता पिज्ज़ा आ चुका है और ये बहुत ही यम दिख रहा है. सो लेट मी ट्राई. आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो लेट मी ट्राई. आप भी खाओ गाइस.
बहुत बेस्ट है। मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, बट मुझे कुछ नया ट्राई करना था, इसलिए मैंने इसको ट्राई करा है। सो गाइज, आप भी आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। भैया का जो बेकर्स है, गोयल बेकर्स, बहुत ही अच्छा है, बट टेस्टी भी है। आप भी गाइज हाँ मेरे साथ। चलो गाइज, मैं इंजॉय करती हूँ, आप भी करो। बाय गाइज, हमने खा लिया है एंड सच में बहुत ही टेस्टी था। सो भैया बाय, भैया पीछे बैठे, बाय, टेक केयर, मिलते हैं यहाँ, नेक्स्ट टाइम आती हूँ। अच्छा था, बहुत टेस्टी था। एंड गाइज, ये देखो गिफ्ट एंड टॉयज शॉप है, यहाँ पे भी टॉय स्पोर्ट्स स्टेशनरी है। क्रिसमस आ चुका है, सो सभी जगह क्रिसमस की चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अंदर अंदर मार्केट है गाइज, देखो यहाँ पे टेलरिंग हो रही है। अच्छा, ये सारे टेलर्स के शॉप है, मसाले का भी है। ओके, यहाँ मसाले भी बन रहे हैं और कॉस्मेटिक स्टोर, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे अंदर अंदर, इतनी सारी खुफिया चीज़ें हैं। मतलब इंसान जितना ज़्यादा अंदर जाता जाएगा उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। चिट चैट, यहाँ पे क्या होता है, खाने का ये। ओके, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स वाला भी है, अच्छा है काफ़ी। तंदूर काफ़ी अच्छे अच्छे हैं एंड टेलर हर जगह, अपोलो फार्मेसी भी है। सो आपके बधाड़ने का धन्यवाद, ये भी सही है। यहाँ पे पार्किंग आपको मिल जाएगी, खाने का बहुत सारा ऑप्शन है। सो यहाँ बहुत कुछ है। सो गाइज, यहाँ पे हम आए हैं भल्ले पापड़ी खाने के लिए, इनके पास बहुत सारे मिठाई का ऑप्शन है। ये भी मिठाई है, रोज बाइट। अच्छा, ये भी मिठाई है, मैंगो, बड़ा डिफरेंट है यार। यहाँ पे कितने कलरफुल मिठाई दिख रहा है मुझे, पिंक कलर की। यहाँ पे भी है मिठाई का काफी ज्यादा सेक्शन एंड यहाँ पे है क्यूट सी बेबी। वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड यहाँ से हमें मिलेगा भल्ले पापड़ी। और आप बना रहे हो, दिखाओगे मेरे को? यहाँ पे ये बना रहे हैं भल्ले पापड़ी, और थोड़ा तीखा बनाना, ज्यादा मीठा मत डालना, मस्त तीखा सा बनाना, मीठा बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या डाल रहे हो? ग्रीन चटनी, और ये वाली कौन सी चटनी थी, इमली की? हाँ, मीठी वाली। ओके ओके, ये दही डाल रहे हैं। वैसे दही भल्ला भी था ना यहाँ पे, मुझे दही भल्ला ज्यादा पसंद है वैसे। आज के स्नैकी मोमेंट यही होने वाला है, क्योंकि ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, मैंने लंच भी नहीं करा था। सो वी केम हेयर फॉर द लंच। मतलब चुटपुट सी चीज़ें कभी कभी खा लेनी चाहिए, हर दिन क्या आप लंच ही करोगे प्रॉपर। सो आई डिसाइडेड टू कम हेयर एंड यस, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। ये मिल गया हमें भल्ले पापड़ी, और इसको हम टेस्ट करके देखेंगे एग्जैक्टली कैसा है। भल्ले पापड़ी देख तो यमरा, टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। मस्त दिखा है और दही बहुत अच्छा है, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो लो गाइस, हम खा के मिलते हैं आपसे। सो गाइज, इस मार्केट के बाहर आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे बैग्स और बैग्स सिलने के लिए सारे बैठे होते हैं। एंड वहाँ पे आपको मेहंदी लगवाना हो तो आप आ सकते हो। सो ये देखो, यहाँ पे बैग्स वगैरह सिलाई कर रहे हैं एंड आपको यहाँ पे फ्रूट्स भी मिल जाएगा। सो दैट्स अ नाइस मार्केट एक्चुअली। वो मार्केट से तो हम निकल चुके हैं, वहाँ नॉनवेज नहीं मिलता, मेरा मन कर रहा है नॉनवेज खाने का। सो हम जा रहे हैं दूसरे मार्केट, कहाँ जा रहे हैं वो तो नहीं पता, बट आपको ज़रूर बताते हैं। सो चलिए हमारे साथ आप भी और एक्सप्लोर करते हैं दूसरी मार्केट। मिल गया चिकन और सम चटनी, और बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं खाए कैसे। ओए डॉगी, बाय बाय, देखो आ रहा है, आ रहा है, बाय। देख आया छोड़ने, बाय। जूस पीने के लिए, अच्छा यहाँ पे नारियल पानी भी है। ओके, मसाला डाल दियो, थैंक यू। सो चीयर्स। सो गाइज, मैं आ गई हूँ अपने फोन को ठीक करवाने, कुछ इश्यूज आ रहे थे बैटरी का। सो ये भैया का शॉप गाइज। सो यस, मेरा फोन का साइड से लॉक का कोई इशू आ रहा था, इनफैक्ट दूसरे फोन में बैटरी इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने सोचा उसको चेंज करवा लूँ। तो फिर मैं भैया के पास आ गया, इंडियन का शॉप है। सो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ, क्योंकि काम ऑलमोस्ट हो चुका है। सो मैं
गाइस, सो यस, यू नो, ऑल ऑफ सडन प्लान बन गया हमारा मूवी देखने का, तो हम ग्रुप में आ गए मूवी देखने के लिए. एंड सोच रहे मूवी हॉल में एंटर करने से पहले कुछ खा लें. सो ये प्लेस है G3S के पास, और लाइक मूवी देखते हैं. कैसी मूवी है देख के आपको रिव्यू देखते हैं. कौन सी मूवी देखते हैं सीधा मूवी हॉल में जाके आपको बता दें. चलो बाय. ये मोमोज हमने ऑर्डर करा है, एंड ये अभी गाओ. यहाँ का मूवी हॉल और ये है हमारा ऑडी. व्हाई नॉट, लेकिन आजकल के साहबजादों में वो बात कहाँ. कौन है? भी मेरे पास बहुत सारी बातें होती हैं कहने को. क्लेवर फनी थिंग. मैं तो कब से कह रहा हूँ गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है, एंड सांबर में गुड़ डालना ये भी तो सिखाया था. असली सांबर में कोई गुड़ नहीं डालते. सो यस, एंटर मिशन हो चुका है, एंड इट्स लाइक मूवी इज नॉट दैट बोरिंग, बट सही है. इट्स लाइक डॉक्यूमेंट्री, सो चल रहा है, एंड देखते हैं एंड कैसा रहता है. अभी तक तो सही जा रहा है, सो आप भी देख सकते हो. एंड कुछ पॉपकॉर्न वगैरह हम खाने का प्लान कर रहे हैं, सो पॉपकॉर्न लेते हैं. एंड ये हॉल अच्छी है, यू नो, लाइक इसका स्क्रीन बहुत अच्छा है. किसी के खेल खिलाती रौनक में आती है हमारी झलक. एक लेसन मैं भी तुम्हें देती हूँ. जिस पार्टी में आपकी बीवी साथ हो वहां काम कैसे करें. पार्टी में आते ही वाइफ को उसकी फेवरेट टेबल पर बिठाओ, उसका फेवरेट ड्रिंक लाओ, और जब वो सेटल हो जाए तो 10 मिनट के लिए गायब हो जाओ. हिमांतर, ऑल राइट, सैम के पास जाओ एंड वॉच. सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए. हमारे सोल्जर्स अच्छी रिहाइश डिजर्व करते हैं, और वैसे भी कौन कहाँ रहता है ये भी तो पता होना चाहिए. गाइस, सो यस, मूवी हो गई है फिनिश, एंड बहुत ज़्यादा, यू नो, ठीक थी, कुछ कह नहीं सकते. बहुत ओके ओके नेशन बेस्ड मूवी है, तो उस पर क्या ही बोल सकते हैं. बट थोड़ा, यू नो, लाइक मज़ा उतना भी नहीं आया देखने में. बस विकी कौशल की एक्टिंग अच्छी थी जो हमने देखा, एंड अच्छा लगा उसका एक्टिंग. उसने सीरियसली काफ़ी एफर्ट किया, तो उसके एफर्ट के लिए आप देख सकते हो. सबका अपना चॉइस होता है, मुझे उतना पसंद नहीं आया. सो अगर आपको भी जाने का मौका मिलता है जाओ गाइस देखो. सो बाय. सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस. मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, है आपसे नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.